दोस्तों, देश में 11 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान सरकार ने बहनों को मुफ्त सफर का तोहफा दिया है। जी हाँ, इन राज्यों की सभी रोडवेज बसों में महिलाएं निशुल्क यानी फ्री में यात्रा कर सकेंगी। यूपी की योगी सरकार ने बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर की सुविधा 48 घंटों के लिए दी है। वहीं हरियाणा रोडवेज बसों में 10 अगस्त की दोपहर 12 बजे से बहनों के लिए बसों में मुफ्त सफर की सुविधा शुरू है। रक्षाबंधन के मौके पर बस स्टैंड पर 44 अतिरिक्त बसें चलाई जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक हरियाणा की सभी बस स्टैंड पर फ्लाइंग टीम के कर्मचारियों को अलग से तैनात किया जाएगा, जिससे बस ड्राइवर स्टैंड पर बिना रुके ना निकल सके। रक्षाबंधन के दिन उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माताओं बहनों को राखी की सौगात दी है। उत्तराखंड की बसों में महिलाओं को फ्री सफर की सुविधा 10 अगस्त रात 12 बजे से 11 अगस्त रात 12 बजे तक मिलेगी। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की सभी बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर का तोहफा दिया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर महिलाओं के लिए बसों में फ्री सेवा 48 घंटों के लिए उपलब्ध रहेगी। 10 अगस्त रात 12 बजे से 12 अगस्त रात 12 बजे तक यूपी की बसों में महिलाएं फ्री यात्रा कर सकेंगी। वहीं एमपी की राजधानी भोपाल में चलने वाली BCLL की रोडवेज बसों में रक्षाबंधन के दिन महिलाएं फ्री में सफर कर सकती हैं। वहीं राजस्थान की बात करें तो यहां भी राखी के दिन महिलाएं राजस्थान रोडवेज में फ्री सफर कर सकती हैं। इसके अनुसार अगर आप एमपी से राजस्थान की बस में सवार होती हैं तो आपको सिर्फ राजस्थान बॉर्डर तक का ही किराया बस वाले को देना होगा। इसके बाद राजस्थान में कहीं भी पहुंचने तक आपसे कोई किराया नहीं लिया जाएगा। वहीं दिल्ली की बात करें तो यहां पहले से ही महिलाओं के लिए ट्रांसपोर्ट पूरी तरह फ्री है। दोस्तों, रक्षाबंधन को लेकर कई राज्य सरकारों ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।